चुना था। हारून को परमेश्वर ने चुना था याजक होने के लिए, यानी कि अपनी सेवा के लिए। हे भाई और बहनों, अपने जब परमेश्वर अपने लोगों को जब चुनता है तो वो सारी दुनिया से जो है अलग कर देता है हमें। हे भाई और बहनों, हारून को भी सारी दुनिया से अलग करके उसे अकेले को बुलाया था कि तू मेरी सेवा कर और मेरा याजक बन। हे भाई और बहनों, उसे याजक बनने के लिए क्या करना पड़ा था? अपना सारा तन मन और धन जो है, सब कुछ जो है, परमेश्वर को समर्पण करना पड़ा था। हे भाई और बहनों, जब वो समर्पण करके परमेश्वर के सामने आया था, परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया। किस तरह से उसे अभिषेक किया? जब उसके सर के ऊपर तेल डाला गया सारी दुनिया के सामने, और ये पता लगा कि ये जो है याजक होने के लिए चुना गया है, ये जो है परमेश्वर का मुख्य सेवाकार है, इसलिए सारी दुनिया के सामने उसके हारून के सर के ऊपर तेल डाला गया और परमेश्वर ने उसे अलग किया अपनी सेवा के लिए। हे भाई और बहनों, और उसके ऊपर सर के ऊपर तेल डाला गया, और वो तेल जो था उसकी दाढ़ी पर पड़ा, वो तेल जो था उसके कपड़ों पे पड़ा, वो तेल जो था उसके पैरों तक पड़ा। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने उसे पवित्र कर दिया अपने काम करने के लिए। हे भाई और बहनों, इसी रीति से भाइयों का रिश्ता भी कुछ इसी रीति से जोड़ा गया है। परमेश्वर ने आपको भी एक भाई दिया है, आपको भी परमेश्वर ने एक बड़ा भाई दिया है, आपको परमेश्वर ने एक छोटा भाई दिया है। हे भाई और बहनों, सारी दुनिया से अलग जो है आपको भी एक भाई दिया गया है, परमेश्वर ने उसे अलग किया है आपके लिए। लेकिन जब परमेश्वर ने आपके लिए उसे अलग किया है, तो भाई और बहनों, जाहिर सी बात है कि हमें अपने भाई से प्यार करना चाहिए। हम सारे रिश्ते इस दुनिया में जो है बना सकते हैं, तोड़ सकते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा है जो हम इस दुनिया में ना बना सकते हैं ना तोड़ सकते हैं, वो है भाइयों का रिश्ता, जो ऊपर से तय करके परमेश्वर जोड़ता है कि ये तेरा भाई है, ये तेरा बड़ा भाई है, ये तेरा छोटा भाई है, इसलिए अपने भाई के साथ मिलजुल के रहना, मैंने तुझे इसी भाई को दिया है। हे भाई और बहनों, परमेश्वर ने जैसा हारून को अपनी सेवा के लिए चुन लिया था, सबके सामने उसका अभिषेक किया था, इसी रीति से आपके भाई को भी परमेश्वर ने आपके लिए चुना है, और वो किसी और का नहीं है, सिर्फ आपका भाई है। तो भाई और बहनों, हमें प्यार से अपने भाई के साथ रहना चाहिए, पवित्रता के साथ। हे भाई और बहनों, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, जो लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर चुके हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की सेवा करते हैं, जाहिर सी बात है कि उसे अपने भाई के साथ भी मिलजुल के रहना चाहिए। हे भाई और बहनों, वचन में लिखा गया है ये उस उत्तम तेल के समान है, जब हम अपने भाइयों के साथ मिलजुल के रहते हैं और इसकी सेवा करते हैं, तो ये उस उत्तम तेल के समान दिखाता है जो हारून के सर के ऊपर परमेश्वर ने डाला था, और उसकी दाढ़ी से कपड़ों पे और कपड़ों से उसके पैर तक वो बह गया था। हे भाई और बहनों, पूरी रीति से परमेश्वर ने उसके जीवन में जो है भरपूर कर दिया था। पूरी रीति से हारून को तेल जब डाला गया था, उसे पूरी रीति से पवित्र आत्मा से भर दिया था, ताकि ये मेरी सेवा कर सके। हे भाई और बहनों, उसकी तुलना जो है भाई बहनों के रिश्ते से है, प्रभु कर रहा है। प्रभु खुश होता है जब हम अपने भाई के साथ प्यार करते हैं, जब हम अपने भाई के साथ संगति करते हैं, जब अपने भाई का हम ध्यान रखते हैं, जब अपने भाई की जरिए हर एक ज़रूरतों को जो है पूरा करते हैं, परमेश्वर खुश होता है कि ये लोग मेरे लोग हैं। हे भाई और बहनों, आपका आपके भाई के साथ कैसा रिश्ता है? आप अपने भाई के साथ कैसा रह रहे हो? आपका भाई क्या आपके साथ मिलजुल के रहता है? क्या आपका भाई आपसे लड़ झगड़ के दूर हो चुका है? क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है? क्या आपने बपतिस्मा ले लिया है? क्या आप सेवा करते हो? क्या आप
परमेश्वर के घर में मुख्य काम करते हो, अगर आप अपने भाई से जलन रखते हो तो भाई और बहनों दूर हो चुके हो। तो भाई और बहनों आज परमेश्वर इस वचन के द्वारा हमसे